विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। पहाड़े शरीफ में मुखीम म्यांमार के शहरी को इतवार की सापहर मुबैना तौर पर एक रॉडी शीटर ने कत्ल कर दिया। मुतासरा 22 साला मोहम्मद इब्राहिम पहाड़े शरीफ में वादी सालहीन में मुखीम थे। वो काम पर हाजिरी के बाद घर वापस आ रहे थे कि मुलजिम मोहम्मद आसिफ ने इन्हें रोक कर 2,000 रुपये का मुतालबा किया। इब्राहिम ने रकम अदा करने से इनकार कर दिया और आसिफ से बहस की, जिसने गुस्से में आकर इब्राहिम को चाकू मारकर हलाक कर दिया। इस शख्स को कत्ल करने के बाद मुलजिम वहां से फरार हो गया, मुकामी पुलिस ने मीडिया को बताया। कत्ल की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को बगर से पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बर्मी शहरी शहर में बतौर मुहाजिर रह रहा था। इनके पास अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हुकूक कौंसिल UNHRC की तरफ से जारी करदा कार्ड भी मौजूद था। पुलिस की खसूसी टीमें आसिफ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। इलाके के लोगों ने बताया कि मुलजिम आसिफ बाकायदगी से लोगों को हिरासा करता था और धमकियां देकर इनसे रकम का भी मुतालबा किया करता था। अभी मेरा नाम मोहम्मद नूर है। अभी जो हादसा हुआ है, अपना भाई है, चाचा का लड़का है। मैं यहाँ बाजू ग्रीन सिटी न्यू भवानगर कैंप पे रहता हूँ, कैंप लीडर हूँ मैं। इससे पहले बहुत हादसा हुआ, कुछ लोगों आने जाने में पैसा छीन ले रहा। हम लोग बोले तो उल्टा डराते उन्होंने वहाँ कैंप में जाके। वो मोहम्मद आसिफ बोल के जो रोडी शीटर है, उन्होंने हर उसके साथ और 5-6 आदमी है, पूरा साथ जाके छुबड़ी जला देते बोल के। डर से हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताया। आज भी ये बच्चा जो आ रहा है, काम से आया, 2,000 रुपया दियो पीने के वास्ते, 700 रुपया सुबह से काम करके मिला, ये है दवा करना है बच्चों को, बोलते उन्हें जबरदस्ती करे चाकू मार दिया उन्होंने भाग के जाते। क्या नाम है जिसको चाकू मारा? मोहम्मद इब्राहिम है, कहाँ के रहने वाले? उन्होंने बर्मा के अपने अपने भाई है, बर्मा के। हम लोग यहाँ पे इधर ये रूम पे रहते हैं, वादी सालन में, ग्रीन सिटी वादी सालन में रहते हैं यहाँ पे। फिर अभी जो हादसा हुआ, उसका छोटा बच्चा है, बीवी है, कितने बच्चे? 21 बच्चा है छोटा, 2 महीना का बच्चा है। उसका बीवी का भी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। हम लोग आजू बाजू वाला है। हम लोग यहाँ का गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ, सख्त से सख्त। ये हम बर्मा के है, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप लोग बोल रहे बार बार सताते, तो आप लोग पुलिस में कंप्लेंट, पुलिस में कंप्लेंट करते। ये नौबत होते बोल के बहुत डराते, उधर जाते इधर जाते। हमारे को आने जाने में, ये 21 रोड है, आने जाने में फिर परेशानी होता बोल के। हम लोग बहुत दिन सफर किया, थोड़ी दिन बाद निकल जाएंगे बोल के। कुछ लोग गया और कुछ यहाँ से जाने वाला है दूसरी जगह में, यानी कि बालापुर बाबा नगर, वो उधर उधर जाके रहेंगे बोल के। कोशिश करते करते आज ये हादसा हुआ। उसको क्या है, 2 महीना 1.5 महीना जितना भी माला करने दो, 2 महीना 3 महीना के बाद आके फिर शुरू करते। हमारे को भी यही डर से, हम लोग कुछ भी नहीं करे। आप लोग क्या है, कैसा भी कोशिश करके ये बैल नहीं होने का जैसा काम करो, कार्रवाई करो। और क्या है, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ का सरकार को देख के, हम लोग मुजलूम आदमी है, उनके 22 साल का बच्चा है जो मर गया, मोहम्मद इब्राहिम मर गया अभी हॉस्पिटल में जाते जाते मर गया, रास्ते में मर गया कहते, वीडियो है उसका।